साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फेवर्ड बाय माय डियर स्टूडेंट्स लाइट रिएक्शंस में एक्चुअली दो बड़े रिएक्शन हैं नॉन साइक्लिक फोटोफास और साइक्लिक फोटोफास दोनों प्रोसेस में जो कॉमन चीज है वो है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी तो वो कौन सी कंडीशन है या वो कौन सा स्टिमुलस है जो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रिगर करता है प्लांट्स के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ऑप्शन ए है हाई लेवल ऑफ एन ए डी पी प्लस याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स जब एन ए डी पी का लेवल हाई है तो इट मीन प्लांट्स को ये सेंस होता है कि हमने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करना नॉन साइकिल इलेक्ट्रॉन फ्लो करके हमने एन बनानी है ताकि कैलवन साइकिल चलता रहे कंटिन्यू रहे ऑप्शन बी है लो लेवल ऑफ एन तो याद रखना ये भी वो स्टिमुलस है ये वो सिग्नल है प्लांट के लिए जब प्लांट को सेंस होगा कि क्लोरोप्लास को सेंस होगा कि मैंने साइक्लिक फास्ट को ट्रिगर नहीं करना चूँकि एन का लेवल लो है तो इट मीन जी स्कीम के थ्रू और लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या बनाने हैं एन ए पी एच बनाने हैं रिड्यूसिंग पावर बनानी है ताकि कैलवन साइकिल में वो यूटिलाइज हो सके तो ये भी नॉन साइक्लिक फोटोफास को ट्रिगर करेगा ये स्टिमुलस भी नॉन फोटोफास को ट्रिगर करेगा ऑप्शन सी है लो लेवल ऑफ एन ए डी पी बात तो ये ठीक है जब प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा के अंदर लेवल ऑफ एन प्लस लो होगा तो याद रखिएगा इट मीन एन तो हैं सफिशेंट अमाउंट में हैं बने हुए हैं तो इसलिए इसका लेवल लो है ए की प्रोडक्शन करनी है ताकि कैलवन साइकिल को प्रॉपर रन किया जा सके तो इससे भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेल्टा है हमारे पास लो लेवल ऑफ एन प्लस ए तो याद रखिएगा जब प्लांट के क्लोरोप्लास के पास स्टोमा के अंदर एन का लेवल भी लो हो और ए का लेवल भी लो हो तो ये वो दो स्टिमुलाए हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिसके नतीजे में जस्ट और जस्ट जो है वो ए बनती है तो डियर स्टूडेंट्स पेरिडॉक्सन से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आगे एन ए और एन प्लस में नहीं जाएंगे वही रिटर्न होकर वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्लस की नोन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से साइक्लिक वे में रन करेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को एटीपी सिंथेस एंजाइम जो है यूज करके एटीपी बनाएगा तो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जस्ट एटीपी की प्रोडक्शन होती है और यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर है करेक्ट ऑप्शन है, है लो लेवल ऑफ एनएडी एंड लो लेवल ऑफ एटीपी